या मतदान के बाद खुलने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है, इसलिए मैं अपने तरफ से सभी मैनेजर को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि खेल के पहले ही ऑफिशियल काम का लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मैदान के और नजर डाला जाए तो मैदान के पूर्व छोर पर जो है हरे कलर के जर्सी में नजर आ रहे हैं सांपागढ़ एफसी पुरुलिया वेस्ट बंगाल। सांपागढ़ के बाद के फुटबॉलर का गढ़ माना जाता है। सभी मजबूत खिलाड़ी टीम के साथ जुड़ चुके हैं। मैदान के पश्चिम छोर पर एफसी में तेलुगु टीम के खिलाड़ी हैं। तेलुगु की तो बात ही जैसा इस मैदान में तीन बार फाइनल भी खेल चुका, चैंपियन भी बन चुका है। कौन लाया है सुशील? प्लेंटी शॉट लगे मन है बॉल बांग एरिया का अब हम कमेटी का बॉल एडी सुशील प्लेंटी पोस्ट पर मजा का तुम्हें जहां तक पहला राउंड का मैच और पीछे पहला शॉट बहुत लाजवाब से इस बार गोल कीपर के लिए उतना आसान नहीं था लेकिन बेहतरीन काम किए वहां पर। एक फाउल और जीत गया और फाउल ये भी तीसरी कोशिश हो सकती है। तीन खिलाड़ी मौजूद है इंतजार करेंगे। अच्छी डिलीवरी का यहां पर थोड़ा सा फंबल गोलकीपर से लेकिन आखिर में अपने कब्जे में लेने में कामयाब हुए। अर्जुन जी दोनों प्लेयर का थोड़ा सा हम लोग नाम लेना चाहेंगे जी। जहां तक बात की जाए सांपागढ़ फुटबॉल टीम में गोलकीपर रेमन मौजूद है, अच्छी चमचमान गोलकीपर है। पांच नंबर जैसे में विशाल, सोमर का जैसे में तीन, कार्तिक के लिए जाना बाल के लिए पंद्रह नंबर के जैसे में कार्तिक कमल बहुत ही कमल का खेल के लिए जान जाते हैं। शिवशंकर के जैसे में दिनेश हांस का सात नंबर जैसे में रूप चांद किस्म के जैसे में ज्ञान कमाल को खेल के लिए जान जाते हैं। और टीम में नेपाल हमारा मौजूद है दस नंबर जैसे में। ऐसे में तेलुगु टीम के लिए जहां तक बात है गुलजार रहमान गुलजार से मौजूद है, विशाल का जैसे पांच, समी सोमरा का जिसमें तेल गुरमीत सतर जिसमें से गुरमीत मुख्य कर बात की जाए दिशा में सात और जिसमें जबीर इंडियन मैच से जुड़े थे खेले में इस तरह का खिलाड़ी टीम के साथ जुड़ चुका है। सात और जिसमें पंजाब का गौरव मुक्ति जहां हीरो इंडियन मैच से लिखने समय खेला काम का खिलाड़ी टीम के अंदर सलेना का नाम खेल का संचालन कर समूह के साथ। तो अर्जुन जी यहाँ तक का गोल मिलाकर कहा जाए तो दोनों टीमें अच्छे अच्छे खिलाड़ी के स्वभाव से जीत की तो गए ये कहना बहुत ही मुश्किल है लेकिन खेल बहुत ही दमदार होंगे। अगला जो मैच होगा आठ नंबर का मैच होगा टूडी उसवडी के जी पी। ध्यान देंगे आपने अनाउंसिंग बूथ में प्लेनिश को पिछले मैच में जमाने किए थे, इस मैच के लिए आप बंगाल टिक रहे हो बेस्ट बेस्ट कंट्री कमरा का ऐसे में एक टेम्पो झारखंड में टिक रहे हो बेस्ट बेस्ट कंट्री कमरा का खेल एडी का पाइए सम्मान बहुत ज्यादा दरकार है और तो से भी
बाएं पैर से लेकिन अच्छा ब्लॉक शॉट लिए बिना तो सफर लगी है फिर से अभी का मौका बन सकता है समय है लेकिन कंट्रोल नहीं कंट्रोल यहां पर लानी है अच्छा है लेकिन अच्छी कंट्रोल इस बार दिनेश मिडफील्ड में काफी दबदबा अभी तक बनाए हैं सात नंबर के खिलाड़ी को कब्जे में तो रखने में काम है अपनी विकेट को लेकर थ्रो इन मिल जाएगा लेकिन बात कर रहे हैं जिस प्रकार से एक पहनापन आक्रमण में नजर आना चाहिए कहीं ना कहीं ऐसी ब्लैक टेल्को में अभी तक वो नजर नहीं आया है लेकिन एक कोशिश तो हो चुकी है चंपा का पूर्व में गया से चंपा इसे चंपा अगर के पास बॉल टेल्को इस बॉल को फिर लेंगे यहाँ पर धूम का बॉल बॉल बिल्कुल बहुत ही अगर बात किया जाए जिस प्रकार से जमीनी पास या फिर हवाई पास में तो बेहतरीन है दोनों टीमें लेकिन इस हिसाब से इंटरसेप्शन आया अभी फिर से बॉल जीतने का खराब हो गया पूर्व विकेट के पास पोजिशन भी मौजूद कोशिश लंबी दूरी से काफी